वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरूमा। आज की वीडियो के अंदर एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके सामने पेश किए जाएंगे और इन एमसीक्यूज़ में स्पेसिफिकली न्यू क्लासिकल पीरियड जो है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एलेजी रिटन इज़ अ कंट्री चर्च यार्ड इज़ रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस ग्रे, जॉन कीट्स, डब्ल्यू बी यीट्स। राइट ऑप्शन है हमारे पास थॉमस ग्रे, यानी ये थॉमस ग्रे का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, पैराडाइज लास्ट अटेम्प्टेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ मैन टू गॉड, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, शो दैट सैटर्न एंड गॉड हैव इक्वल पावर, एक्सप्लेन वाई गुड एंड इविल आर नेसेसरी। हेयर द राइट ऑप्शन इज आंसर बी। हु रोट द फेमस पोएटिक लाइन, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। वी हैव ऑप्शन ए पोप, बी शैले, सी कीट्स एंड ड्राइडन। हेयर पोप इज द राइट ऑप्शन, अलेक्जेंडर पोप ने ये कहा था टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, एडमंड स्पेंसर इज अ साइंटिस्ट, पोइट, क्रिटिक, ड्रामाटिस्ट। राइट ऑप्शन इज पोइट, स्पेंसर जो है वो पोइट था, स्पेंसर जो है वो विक्टोरियन पोइट था, विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव पोइट भी उसको कहा जाता है। बहरहाल, हु इज द कंपोजर ऑफ पैराडाइज लास्ट, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, एस टी कॉलरिज या जॉन मिल्टन। राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑप्शन डी, यानी जॉन मिल्टन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, हु सेड दिस एंड वेयर। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट, सैटर्न इन पैराडाइज रीगेंड, एडम इन पैराडाइज लॉस्ट, एडम इन पैराडाइज रीगेंड। राइट ऑप्शन हमारे पास है ए, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी सैटर्न ने कहा था बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, पैराडाइज लॉस्ट इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी, एपिक पोएम, प्ले या लिरिकल पोएम। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, एपिक पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एपिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हु रोट एन एपिक, जेन मैंसफील्ड, जॉन मिल्टन, विलियम कॉपर, विलियम शेक्सपियर। राइट ऑप्शन इज जॉन मिल्टन। डेफिनेटली इसकी जो पैराडाइज लास्ट है वो एक एपिक पोएम है, इसको हम एपिक पोएट भी कह सकते हैं। पैराडाइज रीगेंड इज एन एपिक बाय जॉन कीट्स, बी बी शैले, जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक। डेफिनेटली जॉन मिल्टन, यानी पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रीगेंड जो है ये दोनों मिल्टन की हैं। पैराडाइज लास्ट जो है उसकी टोटल 12 बुक्स थी और पैराडाइज रीगेंड की 6 बुक्स थी। पैराडाइज लास्ट का जो फर्स्ट एडिशन था, ये बात भी याद रखनी है, एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, कि पैराडाइज लास्ट की जो फर्स्ट बुक थी उसमें 10 बुक्स थी, सेकंड एडिशन में ऑनवर्ड जो है वो 12 बुक्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, थॉमस ग्रे अल्फ्रेड टेनिसन, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मिक्सअप है। हु रोट वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट इज फॉली टू बी वाइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है, थॉमस ग्रे ने कहा है, ये थॉमस जॉन मिल्टन ने कहा है। तो ये कहा था थॉमस ग्रे ने कि जहाँ पे इग्नोरेंस रहमत हो वहाँ पे अकलमंदी की बात जो है वो बेसिकली एक बेवकूफ़ी है। हु इज़ फेमस फॉर हिज एलिजीज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, लॉर्ड बायरन, थॉमस ग्रे या थॉमस पेन। राइट ऑप्शन हमारे पास है थॉमस ग्रे, ये थॉमस ग्रे जो है वो अपनी एलिजीज की वजह से पॉपुलर है। हु रोट गलिवर्स ट्रैवल्स, आर एल स्टीवेंसन, डैनियल डेफो, जोनाथन स्विफ्ट, डी एच लॉरेंस। डेफिनेटली जोनाथन स्विफ्ट। 14, अ वॉयज ऑफ लिलीपुट इज रिटन बाय, आर एल स्टीवेंसन, थॉमस हार्डी, जोनाथन स्विफ्ट या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये किसका है, जोनाथन स्विफ्ट का है। जोनाथन स्विफ्ट इज द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, अ डॉल्स हाउस, रॉबिन्सन क्रूसो, गलिवर्स ट्रैवल्स। ऑब्वियसली गलिवर्स ट्रैवल्स, ऑप्शन डी। द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वॉज कंपाइल्ड बाय इज़ाक वाल्टन, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल बटलर, सर थॉमस ब्राउन।
ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, सैमुअल जॉनसन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, एडमंड बर्के बिलोंग्ड टू विच सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, और हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 18th सेंचुरी। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, रोमांटिक एज बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ, तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास हैं ऑप्शन नंबर 1 लिरिकल बैलेड्स, माय लास्ट डचेस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, कैनोनाइजेशन। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, लिरिकल बैलेड्स। ये लिरिकल बैलेड्स जो है इसके अंदर, ये भी बेसिकली कलेक्शन ऑफ पोइम्स था, इसके अंदर वर्ड्सवर्थ की पोइम्स थी और कॉलरेज की पोइम्स थी। क्वेश्चन नंबर 19, टू आर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन इज़ रिटन बाय, ये पहले भी बात हो चुकी है कि ये पोप का है। हु वॉज़ द फेमस मॉक हेरोइक पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, लॉर्ड बायरन, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, लॉर्ड टेनिसन, तो इसका आंसर हमारे पास है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो है वो मॉक हेरोइक पोइट था। इसका जो पॉपुलर वर्क की अगर हम बात करें तो रेप ऑफ द लॉक बहुत पॉपुलर मॉक हेरोइक वर्क था। क्वेश्चन नंबर 21 में, द फर्स्ट इंग्लिश नावल पामेला हैज़ बिन रिटन बाय, डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, सर वाल्टर स्कॉट। ऑप्शन सी सैमुअल रिचर्डसन, रिचर्डसन का था पामेला। टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, तो ऑप्शन हमारे पास है सी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 23, आ लिटल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग इज अ कोटेशन फ्रॉम, कहाँ से ये कोटेशन ली गई है, ऑस्कर वाइल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, अलेक्जेंडर पोप या वॉल्टेयर, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप कहता है कि लिटल लर्निंग जो है वो डेंजरस थिंग है। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, फ्रांसिस बेकन, जॉफ्री चेसर, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट या हेनरी फील्डिंग, तो हेनरी फील्डिंग जो है इसको फादर कंसिडर किया जाता है। इस क्वेश्चन में भी कन्फ्लिक्ट पाया जाता है मोस्टली, लेकिन जो मोस्ट अथेंटिक आंसर कंसिडर किया जाता है वो हेनरी फील्डिंग ही है। अलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑन मैन इज़ अ नावल, ट्रीटीज, शॉर्ट स्टोरी या पोइम, तो ये जो इसका एन एसे ऑन मैन है ये बेसिकली एक पोइम है। तो अगर हमको ये पहले ना पता हो तो एन एसे से डेफिनेटली यही तासुर मिल रहा होता है कि ये कोई एसे है, लेकिन ये बेसिकली पोइम थी। हु रोट Who wrote first English dictionary? Who is the author of first English dictionary? यानी ये क्वेश्चन दोनों सूरतों में पूछा जा सकता है, और इसका राइट आंसर जो हमारे पास है वो है सैमुअल जॉनसन। तो यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि बेन जॉनसन भी ऑप्शन में है लेकिन सैमुअल जॉनसन राइट ऑप्शन है। Who is the most famous satirist in English literature? Satirist कौन सा जनाब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अलेक्जेंडर पोप, जॉनथन स्विफ्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ या बटलर, तो डेफिनेटली जॉनथन स्विफ्ट। इसका जो सबसे पॉपुलर स्टैटिकल वर्क है वो है ग्लिवर्स ट्रैवल्स। पोइट अलेक्जेंडर पोप्स फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉक, स्पेक्टेटर, द डिजर्टेड विलेज, मैन वाज मेड टू मॉर्न, तो इसका जो सबसे पॉपुलर वर्क है वो रेप ऑफ द लॉक ही है। फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस इन द डेजर्ट एयर, किसने ये कहा है, किसकी लाइन्स हैं, शैले, वर्ड्सवर्थ, थॉमस ग्रे, कीट्स, राइट ऑप्शन हमारे पास थॉमस ग्रे। अ लेक्सिकोग्राफर इज अ पर्सन हु राइट्स नावल्स, डिक्शनरीज, ग्राफ्स, मेडिकल बुक्स, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है डिक्शनरीज, यानी डिक्शनरीज लिखने वाले पर्सन को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। पैराडाइज रिगेन्ड इज़ एन एपिक रिटन बाय होमर, टैगोर, डांटे या मिल्टन, राइट ऑप्शन मिल्टन। हु वाज़ द फेमस मॉक हेरोइक पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, लॉर्ड बायरन, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, ये पहले हो चुका है, हेनरी फील्डिंग है। हु हैज़ रिटन द पोइम
एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ये भी पहले हो गया, थॉमस ग्रे है। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू 1560, 1660, 1760, 1866। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है 1660, रेस्टोरेशन पीरियड। इसको रेस्टोरेशन पीरियड इस वजह से कहा जाता है कि उस टाइम, उससे पहले जो एक पीरियड गुजरा था उसमें ड्रामास वगैरह जो हैं उनको बैन कर दिया गया था, और इस टाइम पीरियड में उसको रिस्टोर कर दिया गया। तो काफ़ी चीज़ें जिनके ऊपर पाबंदी थी, जो बैन थी, उनको रिस्टोर कर दिया गया, और मोनार्की जो है वो इंग्लैंड में रिस्टोर हो गई थी। ए मॉर्नफुल पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवंस लव इज कॉल्ड होमेज और एलिजी या सागा। अ मॉर्नफुल पोएम यानी ऐसी पोएम जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, एलिजी। तो ये जो एलिजी होती है ये लाजमी तौर पर नहीं कि ये किसी की डेथ के ऊपर ही हो, ये किसी और नेगेटिव इंसिडेंट या पेनफुल पैथेटिक इंसिडेंट के ऊपर भी हो सकती है। एडिसन एंड स्टील आर नॉन फॉर लिरिकल बैलेड, द मिरर, द स्पेक्टेटर, बायोग्राफिया, लिटेरिया। राइट ऑप्शन हमारे पास है द स्पेक्टेटर, यानी एडिसन और स्टील ने मिल गए, इसमें स्पेक्टेटर में काम किया था। अ क्रिटिक एंड एक्सिकोग्राफर अप्लाइज टू ब्राडले, कॉलरिज, जॉनसन या हैजलेट। तो डेफिनेटली जॉनसन, जॉनसन जो है वो क्रिटिक भी था और एक्सिकोग्राफर भी था, क्योंकि फर्स्ट डिक्शनरी जो है वो इसने ही पब्लिश की थी। एन एपिक इज बेस्ड ऑन डैश परफॉर्म्ड बाय अ हीरो, हीरोइक डीड्स, अ नैरेटिव इंटरवेंशन, ट्रिपल सब्जेक्ट्स। ऑप्शन इसके अंदर जो हमारे पास राइट है वो है हीरोइक डीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सी एंटो इज डैश, सी एंटो क्या है, एन एक्ट ऑफ अ प्ले। ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये बेसिकली वर्ड है कैंटो, तो ए सी एंटो जो है वो सेपरेट सेपरेट लिखा गया, लेकिन ये वर्ड बेसिकली कैंटो है। एन एक्ट ऑफ अ प्ले, अ पार्ट ऑफ अ प्ले, अ चैप्टर ऑफ अ नावल, अ डिवीजन ऑफ एन एपिक। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है आंसर डी, कि जो एपिक पोएम होती है उसकी जो फर्दर डिवीजन्स होती हैं उसको हम कहते हैं कैंटो। जैसे कि हम उसको देखते हैं प्ले को, तो प्ले के अंदर बेसिकली जो है वो कैंटो नहीं होती, बल्कि प्ले के अंदर क्या होता है, प्ले के अंदर जो सब डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं एक्ट। एक्ट के आगे फर्दर सब डिवीजन जो है वो सीन होती है। और अगर नावल की हम बात करें तो नावल के अंदर बेसिकली होते हैं चैप्टर्स, और पोएम के अंदर कैंटो होता है। ए नावल इन द पिकार्सिक नावल, नावलेट, नॉन फिक्शनल नावल या एपिस्टोलरी नावल। एपिस्टोलरी नावल जो है वो बेसिकली क्या होता है, नावल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स होता है, एपिस्टोलरी नावल्स। द नरेटर ऑफ अ नावल रिटन इन द थर्ड पर्सन इज कॉल्ड नरेटर, अ डेडिकेटेड एन इवेंसेंट, ओबिक्यूशियस, ओमनीशियंट। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी है, एन ओमनीशियंट राइटर। अ वर्क विच हैज़ अ मीनिंग बिहाइंड द सरफेस मीनिंग इज कॉल्ड एन एपिक, एलेगरी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है एलेगरी, जिसके डुअल मीनिंग हो, यानी अपेरेंट मीनिंग के बैकग्राउंड में या बिहाइंड में भी एक मीनिंग हो। वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डर्ज, अ काइंड ऑफ अ सॉनेट सीक्वेंस, अ सन एक्सप्रेसिंग पैट्रियाटिक सेंटिमेंट, अ लॉन्ग वर्स टेलिंग अबाउट एन एडवेंचर, अ सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, लेमेंटेशन एंड मॉर्निंग। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अ सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, लेमेंटेशन एंड मॉर्निंग। इन जो ग्रीफ को, दुख को, अफसोस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सॉन्ग, उसको डर्ज कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, गोथे इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड या फ्रांस। इसका राइट आंसर जो हमारे पास है वो है आंसर ए, यानी जर्मनी।
इसके साथ ही आज के जो MCQs थे वो आपने इख्ताम को पहुँचे। अगली वीडियो के अंदर न्यू MCQs जो हैं वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो आप इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी MCQs, इंग्लिश की समरीज, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री, वो ऑलरेडी जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।